वेलकम टू बैचलर्स। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चाइनीज ऑमलेट। जी हाँ, ऑमलेट हमारा इंडियन है, लेकिन इसको हम चाइना के तरीके से बनाएंगे। चाइना का तरीका मतलब चाइनीज सॉसेस वगैरह के साथ मिला के बहुत अच्छी डिश बनाएंगे चाइनीज ऑमलेट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये मैंने अदरक एकदम बारीक काट के रखा हुआ है, लहसुन बारीक काट के रखा हुआ है, ये मेरे पास थोड़े से गाजर है, पत्ता गोभी है या कैबेज, कैप्सिकम है, अंडे है, बाकी चाइनीज सॉस है, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। चलिए बनाना शुरू करते हैं चाइनीज ऑमलेट। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल लेना है, एक चम्मच के लगभग। तेल को गर्म होने दें, फैला लें चारों तरफ, और जब तक तेल गर्म हो रहा है ये जो अंडे हैं छोड़ लेते हैं। ध्यान रखिए आपका तेल भी गर्म होता है, अभी और गर्म हो जाएगा। चाइनीज कुकिंग हाई फ्लेम कुकिंग होती है। ये जो अंडे को हमने बीट किया है उसमें ऐड करें आप थोड़ी सी सोया सॉस, बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, कुछ ड्रॉप्स, चार पांच बूंदे सोया सॉस की और चार पांच बूंदे ही रेड चिली सॉस की डालते हैं। आपका तेल जब तक गर्म हो चुका है तो तेल में डालें आप सबसे पहले बारीक कटा हुआ अदरक चम्मच, और साथ में डालते हैं एक चम्मच ही लहसुन। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कैरेट जो मैंने ली हुई है, लगभग 50 ग्राम कैरेट है, और इसको चॉप कर लें और इसको कुक होने देते हैं। उसमें सब्जियों को पूरी तरह से कुक नहीं किया जाता है, हाथ ही रखा जाता है, तो थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देते हैं लगभग एक चम्मच। अब हमें क्या करना है, जो सब्जी हमारी कुक हो गई है इसमें से लगभग एक चम्मच सब्जी आप उठाने और इसको डाल दें अपने अंडे के मिक्सचर, और बाकी की सब्जी अभी कुक होने दें। एक बार और मिक्स कर लें, और अब बची हुई कैप्सिकम भी इसमें डालते हैं। साथ में डालें इसी रेड चिली सॉस लगभग एक चम्मच, सोया सॉस भी एक चम्मच, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस और लगभग आधा चम्मच विनेगर, विनेगर को कम डालना है। कुछ बूंदे विनेगर की डालनी है हल्का खट्टापन लेने के लिए, और उन सबको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक, क्योंकि सॉसेज में नमक इसका ध्यान रखें, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और इसको मिक्स कर दें। और इसके बाद इन सब्जियों को आप फैला लें, और फैलाने के बाद ये जो एग मिक्सचर हमने तैयार किया है इसको फ्लो कर देना है इसको। कवर करके धीमी आंच पे लगभग एक मिनट के लिए छोड़ दें, तो लगभग एक से डेढ़ मिनट हो गया है। अब हम इसको अनकवर करते हैं और इसको बहुत ही सावधानी के साथ हमें पलटाना है, उसको पलटा
से 15 सेकंड के लिए कवर करके फिर रख दें। ये 10-15 सेकंड हो गए, इसको अनकवर करते हैं और हमारा चाइनीज ऑमलेट एकदम तैयार है। चलिए इसको सर्व करते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत टेस्टी।